खबर सुल्तानपुर से है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ने हत्या का सफल अनावरण किया, जिसमें थाना कादीपुर क्षेत्र अंतर्गत निवासी ग्राम रानीपुर कायस्थ के रहने वाले आयुष उर्फ अंशु शुक्ला पुत्र महेंद्र शुक्ला उम्र 20 वर्ष का शव मिला था, जिस संबंध में थाना स्थानीय में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले की सरगर्मी से तलाश कर रही। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र द्वारा अपराध पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर विपुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में क्षेत्र अधिकारी कादीपुर सुल्तानपुर कृष्णकांत सरोज के पर्यवेक्षण में कादीपुर पुलिस टीम के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गई थी। संवेदनशील घटना के अनावरण के लिए जमीनी सूचना विकसित करने के लिए उप निरीक्षक रविंद्र सिंह के नेतृत्व में डिजिटल सूचना विकसित करने का कार्य सर्विलांस टीम को सौंपा गया। दोनों स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई, तो वहीं जिसके संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि राममूर्ति शर्मा का लड़का अनुभव शर्मा कहीं से आया है या फिर कहीं जाने के लिए सरकारी पंप के पास शाहगंज रोड पर आगे खड़ा है, यदि आप जल्दी करें तो मिल सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उप निरीक्षक रविंद्र सिंह मैं पुलिस बल व मुखबिर के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचकर मुखबिर ने एक सरकारी इमारत की बाउंड्री के बगल में खड़े लड़के की ओर इशारा करते हुए चला गया। जैसे ही पुलिस की जीप वहां पहुंची तो वह लड़का हम पुलिस वालों को गाड़ी से उतरता देखकर सन्न रह गया और बाउंड्री के बगल की गली में तेजी से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने दोनों तरफ से दौड़कर घेर कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए युवक से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अनुभव शर्मा पुत्र राममूर्ति शर्मा निवासी गोपालपुर नमाजगढ़ थाना कादीपुर सुल्तानपुर बताया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई है, जिसके संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार ने इस हत्याकांड का अनावरण करते हुए दोषी को पकड़ कर विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में पेश कर रही है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। क्या गुड वर्क है ये? थाना कादीपुर में 20 को एक घटना हुई थी, एक बच्चा था वो अंशु शुक्ला, उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में टीम लगाई गई थी जो थाना की टीम और सर्विलांस टीम, इस पर यह पता चला कि इनका कुछ एक इसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, उसी के द्वारा लास्ट कॉल की गई थी और उसी के द्वारा अंतिम बार देखा गया था और उसी के द्वारा घटना कारित की गई थी। इस पर टीम लगी थी, आज उसकी गिरफ्तारी की गई है और जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं और उसके आधार पर इस पर कार्रवाई की जा रही है, इसे जेल भेजा जा रहा है। इसे जो आरोपी है इसके साथ इसने असल वो जो आला कत्ल है हथौड़ा और पेचकस उसने भी बरामद कराया है, मौके से ये वहीं पे पास में मिला है। सर क्या निकल गया है सर, हत्या का कारण क्या था? इनके कुछ अनैतिक संबंध थे और अनैतिक संबंध दिन पे दिन डिमांड बढ़ती जा रही थी, उस संबंधों के कारण एक आक्रोश से ये उसकी तैयारी किया था पहले से कि अगर अब कुछ होगा तो फिर ये करेंगे और उसके आधार पे इसने फिर हत्या कारित की। सर इस लड़के से संबंध था या इसके परिवार में किसी? नहीं, लड़के से ही। सर इसके साथ और कोई था कि? नहीं, इनके साथ अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, और भी हम लोग देख रहे हैं, कोई साक्ष्य मिलता है तो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक।